विंटर का सीजन हो और गुलदावरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों आज गुलदावरी में बम्पर फ्लावरिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी काफ़ी सारी बड्स आएंगी, कलियाँ आएंगी और बम्पर फ्लावरिंग आपकी गुलदावरी में होगी। तो ये देखिए, ये मेरी मेहरून कलर की गुलदावरी है, धूप पूरी आ चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है, कलियाँ खिलने को तैयार है और बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। येलो कलर है, ग्रीन कलर है, काफ़ी कलर मेरे पास हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट को, गुलदावरी को धूप बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं होगी तो प्लांट तो अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, ग्रीन होंगे, बट दोस्तों उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। यही सब आज आपको बताऊँगी। यहाँ पर ये वाले प्लांट मैंने ज़मीन पर लगा रखे हैं, तो बम्पर फ्लावरिंग इसमें हो रही है। देखिए बड्स काफ़ी आ रखे हैं और पॉट में भी उधर है, उनको मैं आपको दिखाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंजू और आपका स्वागत है मंजू ब्लॉग्स और मेरे गार्डन में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक घरेलू फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। देखो जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम उसमें घरेलू चीज़ें ही यूज़ करते हैं, केमिकल की चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे जो कि बम्पर फ्लावरिंग हो हमारी। और तो आज मैं एक पौधा लेके आई हूँ, खास पौधा है गुलदावरी का, क्योंकि गुलदावरी में अक्सर लोग कमेंट आ रहे हैं कि हमारी कलियाँ नहीं बन रही, किसी कलियाँ बन रही हैं लेकिन कलियाँ खिल नहीं रही हैं और फ्लावरिंग भी छोटी छोटी हो रही हैं और खूब सारी कलियाँ नहीं खिल रही हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। और दूसरा इसमें जो है ना, मिलीबग्स वगैरह कीड़ों का भी बहुत अटैक हो रहा है, पत्तियों के नीचे, ऊपर, पीछे या कलियों में मिलीबग्स वगैरह भी काफ़ी लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी उस चीज़ के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहिए, तो वीडियो शुरू करती हूँ। और देखिएगा आप, ये देखिए मेरी गार्लिक वाइन, आपको मैं दिखा दूँ पीछे से कितनी सुंदर हो रही है। तो ये सारे मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो डालती हूँ ना, तो उनसे बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है, ये देखिए। और इधर ये डबल पेटल का पिटोनिया है, देखिए कितना प्यारा मेरी बास्केट में हो रहा है। डबल पेटल बहुत सुंदर लगता है, सिंगल भी अच्छा लगता है, बट डबल ना बिल्कुल देखिए जैसे गुलाब के फ्लावर इतने बड़े बड़े वैसे लग रहे। और सिंगल पेटल में इधर है, ये है, ये पर्पल कलर का है, ये देखिए ये फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं और डबल मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे डबल ज़्यादा पसंद है, मैंने डबल के काफ़ी लगा रखे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा रेड कलर का, बिल्कुल मेहरून सा रेड है कलर का गुलदावरी है और ये कलियाँ खिलनी है। गुलदावरी में जब हमारी बड्स बनती है ना, ये देखिए ये छोटी छोटी इस तरह के, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। आप ये फिक्र ना करें कि हमारी कलियाँ खिल नहीं रही हैं, इनमें ना बहुत टाइम लगता है खिलने में। बड़ थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटे छोटे से, तो इसलिए भी एक कारण ये भी होता है कि खिलता नहीं है, एकदम नहीं खिलती है इसकी बड्स, बहुत देर में खिलती है। ये देखिए धीरे 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 हो रही हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए ये फ्लावर खिल रखा है मेरे, ये देखिए यहाँ पर, ये इतने फ्लावर जो हैं ये खिले हुए हैं, ये देखिए अभी खिलने को तैयार है। तो गुलदावरी में थोड़ा फ्लावरिंग भी देर से होती है। और दूसरा कारण क्या है यहाँ पर, यह है कि गुलदावरी में ना धूप बहुत चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। अगर आपकी गुलदावरी में धूप नहीं हो रखी है तो देखिए आपके प्लांट ग्रीन भी होंगे और अच्छे हेल्दी प्लांट होंगे, हरे भरे हो रहे होंगे, कलियाँ निकलेंगी, लेकिन कम फ्लावरिंग होगी और बहुत कम ही होगी और बहुत लेट खिलेगी। इसलिए इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, फ्लावरिंग प्लांट हर किसी के लिए ही धूप बहुत ज़रूरी होती है। मेरा यहाँ पे अभी नॉर्थ फेसिंग है, तो इसमें धूप आती है लेकिन बहुत कम आ रही है, फिर भी 3-4 घंटे यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए ये मेरा अच्छा सा यहाँ पर ये खिलने लगा है। और अभी काफ़ी गुलदावरी ऐसी है कि जिसमें बड्स आई हैं छोटी छोटी, वो खिली नहीं है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो एक रीज़न ये भी होता है कि धूप बहुत ज़रूरी होती है प्लांट के लिए और ये देर देर में खिलते हैं। तो ये देखो, ये मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं गुलदावरी, ये देखो येल्लो, ये यहाँ भी खिलने लगी है, ये मेहरून बड्स बन के खिल गए हैं और इसमें काफ़ी शाखाएं आ रखी हैं। ये मेरे सारे प्लांट जितने भी हैं मैंने कटिंग करी थी और ये कटिंग से सारे ग्रो करे हुए हैं। तो कटिंग करके जब हम कटिंग लगाते हैं तो देखिए सबको मैंने पिंच करा है यहाँ से, जब हमारी कटिंग थोड़ी बड़ी होती है उसको कट करना होता है, जिससे कि हमारी ना काफ़ी शाखाएँ बन जाएंगी। तो ये इतनी शाखाएँ निकलती, फिर उसमें बड्स निकलती हैं। ये देखिए एक मैंने इसकी भी कटिंग करी थी, ये कोई भी जब प्लांट लगाते हो उसको बीच से कट कर दो तो वो बुशी हो जाता है, तो उस तरीके से बनता है। एक देखिए ये पॉट इतना छोटा सा है और इसमें इतनी सारा इसमें हो रखा है गुलदावरी, खूब शाखाएँ बनी हैं, खूब फैला हुआ है। ये वाला पॉट भी देखिए छोटे छोटे पॉट में भी हो जाती है और बड्स निकलनी है। अभी देखिए छोटी छोटी बड्स हैं इसमें भी, ये तो ये धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं, धीरे धीरे बड़ी होंगी ये बड्स, फिर खिलती है, एकदम गुलदावरी नहीं खिलती है। और देखो मेरे प्लांट अभी साफ हो रहे हैं, कहीं कोई कीड़ा नहीं है इनमें, लेकिन बहुत के लग रहा, लग जाता है, हो जाता है इनमें, क्योंकि मैं तो इसमें करते रहती हूँ ट्रीटमेंट वगैरह करते रहती हूँ, तो इसलिए इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। तो अक्सर कंप्लेन कितने लोगों का है कि इसमें एक तो किसी की पत्तियाँ भी काली हो जा रही हैं और इनमें जो है ना नीचे से इसमें मिलीबग का बहुत अटैक होता है, कलियों में भी और पत्तियों में भी, तो वो मेरे नहीं है। तो आपको मैं ये बता दूँ, अगर आपके उसमें मिलीबग वगैरह का अटैक हो रहा है
तो आप जो है ना एक लीटर पानी में एक चम्मच सोडा डालिए और उसमें चार या पांच बूंद शैम्पू की हैंड वॉश या शैम्पू या हैंड वॉश जो भी है डिटर्जेंट उसको डाल के खूब स्प्रे करके बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से स्प्रे कर दीजिए, धार दीजिए बिल्कुल। उससे भी काफ़ी हद तक हट जाती हैं, पानी भी डाल दो तो पाइप से ज़ोर से धार दे के हटा दीजिए, हट जाती है, उससे भी आराम मतलब हमारी समस्या ख़त्म हो जाती है, मिली बक्स वगैरह उससे हट जाते हैं। इनू का पाउच का इनू का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, उससे भी वो हट जाती है। तो चलिए, तो ये है कि इसमें धूप तो हमें चाहिए ही चाहिए दोस्तों, और इसके बाद हम इसको इसकी गुड़ाई इसकी ना फ्लावरिंग प्लांट की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गुड़ाई करोगे तो इसके जड़ों में रूट में जो है ना प्लांट की हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो प्लांट भी हमारी अच्छे से सांस लेता है ना। और धूप तो बहुत ज़रूरी है, धूप जरूरी इसलिए है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, प्लांट अपना भोजन बनाएंगे, खाना बनाएगा, प्लांट की ग्रोथ होगी और प्लांट तभी हमें अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। न्यूट्रिशन का भी हमें ध्यान देना है, न्यूट्रिशन हमें प्लांट में क्या डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्लांट में फ्लावरिंग लेते हैं तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ्रूटिंग के लिए हमारे प्लांट में पोटेशियम फास्फोरस पोटास जो है फास्फोरस मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है प्लांट के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हरे भरे होने के लिए नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक हमारे घरेलू तरीके से हमें मिल जाती है तो उससे हम यूज करेंगे, उससे हमारा काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होती है। देखिए आप अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं मेरे चैनल पर काफ़ी सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैंने शेयर करे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने ग्रो बैग्स में लगा रखा था और कैसे भरा है उसका। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपने अक्टूबर में ही कटिंग लगा रखी है तो अभी नहीं खिलेंगी आपकी कलियां, आपकी गुलदाउदी ना जनवरी में जाके खिलेगी, जनवरी फरवरी तक खिलेंगी। हमारी जो ये कटिंगें लगी है ना, हमने सितंबर में मैंने ये कटिंगें लगा दी हैं, सितंबर में, सितंबर से लगने के बाद प्लांट की ग्रोथ पिचिंग करने के बाद यहाँ तक प्लांट पहुँचा है तो इसमें अभी फ्लावरिंग जो है होने लगी है। देखिए बड्स बनने या फूल खिलने लगे हैं ये है। तो दोस्तों पानी की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें पानी जो है इसको बहुत पानी बहुत नहीं डालना है प्लांट में, सूखा भी नहीं होना है। हमने छोटे छोटे पॉट में अगर प्लांट लगा रखा है आप उसमें पानी कमी हो जाएगी तो भी हमारी फ्लावर की बड्स की जो है ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट की डालना है पानी, इतना डालना है कि पानी डालो और पानी निकल जाए, पानी प्लांट में रुके नहीं, पानी प्लांट में रुकने लगेगा तो प्लांट की जड़ें गल के सड़ने लगेंगी। और पानी देना है, आजकल देख लो जाड़ों में एक दिन छोड़ के भी आप पानी दे सकते हो, उसमें आप मिट्टी को देख के देखें अपना, बहुत मॉइस्चर बहुत गीला है तो उसमें पानी ना दो। जैसे मेरे अभी इसमें आज बहुत गीला हो रहा है, अभी देखिए मिट्टी गीली हो रखी, मैं अभी इसमें पानी नहीं देती हूँ। एक तो ये भी देखिए कि आजकल पाला गिरता है तो ऊपर ही ऊपर तो गीला रहता है लेकिन नीचे नहीं रहता, लेकिन मैंने इसमें पानी कल दिया है इन प्लांटों में तो आज नहीं दूंगी शायद, इसमें शाम तक मैं इनमें देख लूँगी, देखना पड़ता है प्लांट को। लेकिन इसमें देखिए इसमें मैंने कल नहीं डाला था, ये मिट्टी ऐसी हो रही भुरभुरी, तो इसमें प्लांट पानी दूंगी, अगर नहीं दूंगी तो शाम तक मेरा ये प्लांट की पत्तियां ना नीचे को लटकने लग जाएंगी, तो इसमें आज पानी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें पानी भी प्लांट को देते रहना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम कौन सा फर्टिलाइजर इसमें आज डालने वाले हैं कि बम्पर फ्लावरिंग हमारी होगी। अगर कलियाँ नहीं खिली हैं तो खिलने लगेंगी, खूब सारी कलियाँ खिलेंगी, बड़े बड़े फ्लावर हमारे होंगे। तो दोस्तों जो आज का फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ आपको, आज ये मैं बनाने वाली हूँ प्याज से, प्याज जो अनियन हम लोग खाते हैं ना वो प्याज से बनने वाला है। प्याज में जो है फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम पोटास सब चीज़ भरपूर मात्रा में रहता है। प्याज का फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक में अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनिक में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारा इससे बनता है प्याज से। और ये छिलके भी, छिलकों का अनियन पील का अलग फर्टिलाइज़र, ये देखिए मैं बनाया है, कितनी बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अनियन पील का फर्टिलाइज़र ये बनाइए, ये देखिए कितना तगड़ा ये फर्टिलाइज़र बनता है, इसका जूस देखिए। तो इस तरीके से बना करके आप अनियन पील को डाल दीजिए इनमें, और जब आपको यूज़ करना है जैसे आप एक गिलास इसको लोगे, एक गिलास में पानी मिला देना, जैसे ज़्यादा मैंने पील्स हैं जिसमें अगर एक पील में एक लीटर में भिगा रहे हो तो उसमें पानी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ज़्यादा पील्स अगर हैं छिलके ज़्यादा हैं और पानी कम है तो उसको डाइल्यूट कर लीजिए, डबल कर लीजिए। तो ये एक तरीका ये है, इस तरीके से छिलके निकाल के भिगा के डाल देना है, ये प्लांट में डालना है इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए हमें एक प्याज लिया है मैंने, और इस प्याज को महीन महीन कट कर लेती हूँ, चॉपर से काटने की ज़रूरत नहीं है, बस चाकू से ही महीन इसको कट कर लेती हूँ इस तरीके से। एक प्याज ही मैंने लिया है, एक ही प्याज मैं कट कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए इसको भी डाल ही देती हूँ।
अब इसमें दूसरा चीज़ मैं क्या लेने वाली हूँ, दूसरी चीज़ है ये देखिए, ये मेरा है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है ना, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में रहता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए और पत्तियों को हरा भरा करने के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो चाय की पत्ती लेती हूँ, मेरी एक बड़ी चम्मच है, तो एक चम्मच में इसमें चाय की पत्ती ले लेती हूँ। ये देखिए, ये पत्ती में एक चम्मच ले लेती हूँ और इसको हम पहले मिलाते हैं। बनाना कैसे है, कितना डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने अब मिक्स कर लिया है और इसको हमें क्या करना है, इसको मैं एक भगोने में डाल देती हूँ ऐसे करके। ये देखिए, भगोने में डाल दिया है और इस भगोने में मैं अभी 2 गिलास पानी डालती हूँ, 1 और 2, 2 गिलास पानी डाल दी हूँ और इसको हमें बॉईल करना है। तो इसको हमने बॉईल कर दिया है, ये बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको दिखाऊंगी। ये बॉईल हो चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं। ये आधा पानी रह चुका है इसमें, तो ये देखें, ये बॉईल किया मैंने 1 गिलास पानी को, तो इसको बॉईल कर 2 गिलास बॉईल किए थे, ये बॉईल करके इतना करना है कि ये 1 गिलास रह जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा न्यूट्रिशन मिल गया, इतना ज़बरदस्त का न्यूट्रिशन है। तो मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती को बॉईल कर रखा है, बहुत तगड़ा इसका निकल गया है, एक बड़ा गांठ मेरी प्याज की है। इसको अब 2 में करेंगे। अगर हम आप 1 चम्मच चाय की पत्ती को भिगो के रख दो 24 घंटे के लिए, तो उसको आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए, लेकिन इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन निकल जाता है, इसलिए इसको हम पतला करके डालेंगे। कोई बात नहीं, हम 10 दिन बाद इसको दोबारा रिपीट कीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा हमें नहीं डालनी है जिससे कि हमारे प्लांट को नुकसान हो। तो ये देखिए, तो बहुत अच्छा है, हमारा फर्टिलाइजर पावरफुल बन गया है, इसको हम अपने प्लांट में डाल देते हैं। ये देखिए, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐसे करके डाल देते हैं, इसमें भी डाल देती हूँ। देखो, इससे धूप आने लगी तो प्लांट सूखने लग गए हैं, तो पानी का ध्यान देना है, पानी डालते रहना है प्लांट में। ये देखिए, तो ये 1 लीटर को मैंने कितने प्लांट में डाल दिया है, 1 में और हो जाता है मेरा, ये देखिए इतने प्लांट में डाल दिया है। तो इससे हमारे प्लांट में अच्छी सी फ्लावरिंग होगी, ये बड्स अच्छे बनेंगे, जो बने हैं वो जल्दी खिलेंगे और अच्छे अच्छे फ्लावर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी है, ये फर्टिलाइजर बनाना देखा है, तो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आप डालते हैं तो उसका भी बताइएगा, और रिजल्ट मुझे बताना अच्छा लगेगा। तो एक लाइक जरूर करना हमारे चैनल को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, आगे भी हमारी अगली वीडियो देखने के लिए घरेलू चीज़ों की और ऑर्गेनिक चीज़ों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।